नाज़रीन ये मुख्तलिफ शख्सियात की जो आवाज़ है उसकी पैरोडी कर लेते हैं और उसी के साथ मुख्तलिफ जानवरों की आवाज़ें भी निकाल लेते हैं। हर इंसान की मैकरी हर बंदा कर लेता है। जानवरों की मैकरी करना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि जानवरों के अंदर साथ रहना पड़ता है, उनकी फिर मैकरी आती है। हम अगर मैं 6 माह में मुल्क का निज़ाम ना बेहतर कसूँ तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं, मेरे पाकिस्तानियों पहले सबसे पहले आपने घबराना नहीं है और सुबह उठ के नहाना नहीं है, क्योंकि डैम में पानी नहीं है। छोटा बच्चा भी साथ। मगर अपने मैं स्कूल नहीं जाता बच्चा, तो उसकी माँ कहती रफीक दे अब्बा आज मरान स्कूल नहीं गया, अजी अब्बा जी स्कूल नहीं गया, अब्बा जी मेरे पेट दर्द हो रही है। मुर्गी जैसा अंडा देख के खुश होती है, गिफ्ट है, मुझ में ऐसा कोई टैलेंट नहीं है। जब इंसान को आगे बढ़ने की लगन हो ना, कोई काम भी हो ना, लगन जब आपको होगा अंदर से काम को होगा, फिर ही काम चलता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अनस गोंदर, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं अदाकार कामरान मून। नाज़रीन ये मुख्तलिफ शख्सियात की जो आवाज़ है उसकी पैरोडी कर लेते हैं और उसी के साथ मुख्तलिफ जानवरों की आवाज़ें भी निकाल लेते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर वायरल रहते हैं और आज आपसे जो है इनकी मुलाकात करवाते हैं, जानते हैं कि किस तरह कर लेते हैं। जब मुझे ये बताएं कि आवाज़ें निकालना शख्सियात की, जानवरों की आवाज़ें निकालना, दो चीज़ें एक साथ कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मोहब्बत दी, प्यार दिया। तो सबसे पहले हर इंसान की मैकरी हर बंदा कर लेता है। जानवरों की मैकरी करना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि जानवरों के अंदर साथ रहना पड़ता है, उनकी फिर मैकरी आती है। ये सबसे मुश्किल काम है जानवरों की मैकरी करना। अगर शख्सियत की बात की जाए तो क्या आप डॉक्टर तारिक कादरी साहब की आवाज़ निकाल लेते हैं? जी जी, जीना होगा मरना होगा, पाकिस्तान की सड़कों पर डरना होगा, गोली मारनी है तो सीने पे मारो, सीना हाजिर है। अच्छा मुझे ये बताएं ये तब से कब से कर रहे हैं ये सब? ये जब वो ये इन्होंने धरना दिया इस्लामाबाद में, फिर मैं काफ़ी खान साहब के अटैच भी था तो मोहब्बत भी थी। अब जो हालात चल रहे हैं तो खान साहब से पीछे रहने अच्छा लगता है। अच्छा शबाशी साहब की निकाल लेते हैं, मेकरी कर लेते हैं। जी जी, हम अगर मैं 6 माह में मुल्क का निज़ाम ना बेहतर कसूँ तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं इसके अलावा किस किस की मिमिक्री आप कर लेते हैं? मेरे पाकिस्तानियों पहले सबसे पहले आपने घबराना नहीं है और सुबह उठ के नहाना नहीं है, क्योंकि डैम में पानी नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं, चलें ये तो मारूफ शख्सियात की आप आवाज़ निकाल लेते हैं, मिमिक्री कर लेते हैं, जानवर उसकी किस तरह कर लेते हैं? एक बच्चे को पत्थर मारे जरा ऐसे करें, आपने क्यों दिए ना मुझे? ठीक है जी, ये मार दिए। अब वो कुत्ता गया तो साथ बड़ा कुत्ता भी लेके आ गया, उसका बड़ा आ गया और छोटा बच्चा भी साथ। नाज़रीन आप सुन रहे होंगे कि ये देखो वो पीछे, अच्छा इन्होंने बोला और पीछे जो है ना वो हकीकत में जो है ना वो बोलना शुरू हो गए हैं। अच्छा मुझे बताएं कि इसके अलावा चिड़िया वगैरह की भी निकाल लेते हैं? बकरा अपने फैमिली को कैसे बुलाता है? अच्छा बकरा, बकरे की निकाल। बकरा अपने स्कूल नहीं जाता बच्चा, तो उसकी माँ कहती रफीक दे अब्बा आज मरान स्कूल नहीं गया, अजी अब्बा जी स्कूल नहीं गया, अब्बा जी मेरे पेट दर्द हो रही है। अच्छा ये बकरा करता। नाज़िर ये देखे किस तरीके से ये जानवरों की भी आवाज़ निकाल लेते हैं, बिल्ली की भी निकाल दिया कि नहीं? बिल्ली उसके अलावा मुर्गी जैसा अंडा देख के खुश होती है। मुर्गा मुर्गा फिर से मुतासर कर। अच्छा मुर्गी भी, अच्छा मुर्गा भी, मुर्गी भी, सब कुछ क्या? जी जी, अल्लाह का करम है, गॉड गिफ्ट है, मुझ में ऐसा कोई टैलेंट नहीं है, ये मेरे अल्लाह का करम है और मेरे माँ बाप की दुआएं हैं और उस्ताद मोहतरम की मेरी दुआएं हैं। कवा वगैरह की भी निकाल? जी कवा वगैरह। अच्छा मुझे ये बताएं जो एक आर्टिस्ट होता है, ठीक है उसकी ज़िंदगी बड़ी टफ होती है, बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, आपको ये मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? मुश्किलात ये 6 माह से मैं इतनी मुश्किलात में हूँ, मेरे बीवी डिवोर्स ले गई इस काम से, तो इस काम को मैंने जुनून और मोहब्बत इस काम की वजह से। जी क्यों? वो कहती है ये काम अच्छा नहीं है, हम लोगों का नहीं है, हम मलक बहादुरी से तलक है हमारा, ठीक है, तो मेरी फैमिली में कोई ऐसा काम नहीं करता, मैं अपने बहन भाइयों से सबसे छोटा हूँ, तो सब ने मुझे इस काम से मना ही किया, रोका ही है, तो मैं नहीं रुका, मैं अपने काम को
जुनून नहीं मेरा, ये जुनून नहीं, मेरे हद है जुनून की। एक जुनून होता है, जुनून की हद है, इससे आगे भी मुझे काम करना पड़े, कहीं भी चांस मिले पाकिस्तान के अलावा भी, तो मैं अपनी कंट्री के लिए पाकिस्तान का नाम ऊंचा करना चाहता हूँ। जो एक आर्टिस्ट होता है उसकी क्या रूटीन होती है, आप वहाँ पे किस तरह टाइम को मैनेज करते हैं? जी जी, बहुत हार्ड वर्क है। देखिए, रात पूरी काम करना, फिर सुबह वर्किंग करना, फिर शाम को अपनी वर्किंग करना, फिर वीगो लैफ में बैठता हूँ, ठीक है ना। ये अपना टाइम सुविधा निकालना पड़ता है। जब इंसान को आगे बढ़ने की लगन हो ना, कोई काम भी हो, लगन जब आपको होगा अंदर से, काम को होगा, फिर ही काम चलता है। लोगों को हंसाने का आप काम करते हैं, तो अगर आपकी इस आवाज़ की वजह से अगर कोई मुस्कुरा लेता है तो ये तो बहुत बड़ी बात है। ये अल्लाह ताला का तो मेरे से बड़ा आसान होगा कि मेरी ये काम करने से कोई हंसे, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आए। जो हालात मुल्क के हो गए, महंगाई इतनी है, पेट्रोल बढ़ रहा है, हर चीज़ की कीमत बढ़ी हुई, आटे की कीमत बढ़ गई है, तो मेरे करने से कोई हंस पड़े तो सबसे बढ़िया है। तो आटे को बस छोटा सा बनाया, आटा नहीं जे आंदा फिर साडे घर, आटा नहीं जे आंदा आंदी ये तब्दीली हर रोज वे, आटा नहीं जे आंदा फिर साडे घर आटा नहीं। अभी ना इसके ऊपर थोड़ा सा वर्क किया है, थोड़ा सा आपको मैंने टाइटल सुना दिया, इंशाल्लाह दोबारा कभी मुलाकात होगी तो इसके ऊपर पूरा वर्क होगा, पूरा आपको इंशाल्लाह इंजॉय करके सुनाएंगे। अरीना जीन, आपने गुफ्तगू सुनी है और जिस तरीके से ये आवाज़ें निकालते हैं आपने देखा होगा, और इनके कहना है कि अगर हमारी इस काम की वजह से जो हम हंसी मजाक करते हैं, अगर किसी के घर के अंदर रौनक आती है तो इससे बड़ा और काम क्या हो सकता है। नाज़रीन, देखते रहे बोल न्यूज़, अल्लाह हाफिज़। तारीख का अमीन। आजादी की अलामत। हुस्न का आईनादार। फिक्रो नजरिए की अक्कास। सरफराजी का गवाह यानी हम सब का निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।